चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है। खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। बॉडियां कीचड़ से लिपती थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। मैंने आपको बताई थी ना जो बातें हुई, आपको बता तो दी, यही बातें हुई थी हमारी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी तो घटना किस तरह हुई, मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है, कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वो बॉडियां कीचड़ से लिपती थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो, क्या कुछ दिया जाएगा, तुम बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी का सारे जो, मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो, कोई नौकरी पे सवाल नहीं है, बोरी का काम करते हैं, हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है, समझ गए। एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना, लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी।